और जुबान पड़ी होगी और उस जुबान के गिर्द जैसे जानवर चक्की के गिर्द घूमता है ऐसे वो घूमेंगे। इतनी बड़ी जुबान दरमियान में पड़ी होगी और वो घूम रहे होंगे और लोग पूछेंगे ये कौन है। फिर करीब आएंगे लोग कहेंगे ये तो वो है जिनकी हिदायत की बातें सुनकर हमने देखा कि हम जन्नत में जा रहे हैं और ये यहाँ फंसे हुए हैं, ये तो कौन ही है, ये तो फ्रॉड है। तो फिर पूछेंगे उनसे कि वजह क्या है, तो वो कहेंगे कि हम तुम्हें नेक बातें बताते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे, इस वजह से आज हमारी जुबान जो है बाहर निकली हुई है, क्योंकि इसी जुबान से ही बंदा दीन की बातें बतलाता है। मेरे भाइयों, चंद खोटे सिक्कों की खातिर मौलवी हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, चंद खोटे सिक्कों की खातिर, खोटा सिक्का इसलिए बोलता हूं, ये जो पैसा है ये चंद दिन चलेगा कब्र में, ये नहीं चलेगा, ये खोटा बन जाएगा। लेकर अमीरों के लिए मसला और बयान करते और गरीबों के लिए मसला और बयान करते, ना वो रहे ना बाद वाले रहे ना हम रहेंगे, कयामत तक जो शरीयत है अल्लाह का दीन है वो चलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो फजर की नमाज़ पढ़कर हम बाहर निकले हैं। तो सुबह का टाइम है, मज़े आ रहे हैं यार, एक सुबह की वाइब ही एक अलहदा है, ठीक है। तो मैं पहले घर था, जिधर हम पहले रह रहे थे गाजी रोड, हमारा अपना ही घर है, तो इधर था आज मैं, तो आज मैं अब वापस जा रहा हूँ घर दूसरे, तो निकलता हूँ। और मेरी भी यार आँखें वगैरह ख़राब हो गई, अगर आपको नज़र आ रही हो, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, वज़ू किया तो शायद साफ़ हो गई हूँ, पर यह है कि अभी आपकी नज़र आ रहा होगा, तो बस ये है। और सुबह का टाइम है, सुबह में फिर एक दिल करता है कि लस्सी पीने को दिल करता है, देखता हूँ कोई शॉप बाहर खुली हो, लाहौर है खुली होगी, तो उनसे फिर पूछते हैं अगर लस्सी मिल जाए तो मज़ा है, तो लस्सी पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, और आ जाए या कल्ला बार अभी अव्वल, तो वो भी फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये भाई ये है गाजी रोड, सुबह की वाइब, मेट्रो। तो लस्सी हमारी आ चुकी है, तो इसको पीते हैं और घर को निकलते हैं। तो लस्सी पी लिया, लस्सी मज़े की थी, तो अब घर को निकलते हैं, रक्षा देखते हैं, रक्षा ढूंढते हैं, रक्षे में बैठ कर फिर जाते हैं हम। मिलता कि नहीं मिलता, जाते हैं स्टाफ के पास जाते हैं, फिर देखते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मेट्रो स्पीडो जिंदा भाई जा रही है। दरे नबी पर बड़ा कभी तो किस्मत भूलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नो जी, मैं अपने घर एक करीब आ चुका हूँ, तो यार एक तो सुबह की वाइब ना मुझे बहुत पसंद है, और ये तो लाहौर में ना वगैरह गर्मी सर्दी तो नहीं पड़ रही, वैसे फोग वगैरह देख लें अगर आपको नज़र आ रही हो, ठीक है, तो बस ये मसला है। और गली में देखें, गली में क्या चीज़ सीन आ रहा है, ये देखें, वो क्या कहते हैं, सूरज की लाइट पड़ रही है, तो पता नहीं इसमें नज़र आ रहा होगा मुझे, रेज़ नहीं पड़ती सूरज की,
वो पड़ी हुई हैं, तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। और ये सूरज लिख रहा है सुबह का, तो मैं घर चलता हूँ। घर ये इस गली में ही है मेरा। तो दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, तो दरवाज़ा मैं बंद कर लूँ। तो वाले साहब गए होंगे ऑफिस में, तो आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, घर आ गया। वाले साहब तो बैठ रहे हैं, कोई और गया होगा। अच्छा, आते साथ ही मैं सो गया था, तो मैंने आपको कहा था ना कि मेरी भी आँखें रेड और ख़राब हो रही हैं, तो सो के उठाऊँ अब देखें, तो आँखें खुल ही नहीं रही, ये बस इतनी इतनी खुली हुई हैं। तो ऐसे हुआ हुआ बस आँखें ये चीज़ खुली खुली सी हुई है। तो मेडिसिन वगैरह भी लेके आते हैं और जाता हूँ बाहर, और चीज़ें भी लेनी है। तो पहले तो मैं जा रहा था पैदल, तो लेके जा रहे हैं गाड़ी। तो वाले साहब कह रहे थे कि ना और सामान भी लेना है, तो वो सामान वगैरह लेते हैं, तो फिर आते हैं जो भी लेना है। बिस्मिल्लाह करते हैं गाड़ी को जरा, देखो हो गया, तो चलते हैं। तो गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो गाड़ी की हवा कम हो गई थी, तो ना हवा भरवा रहे हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं आके चेक करें। हम मैं आया हूँ घर का सामान लेने के लिए। जो मेडिसिन लेनी थी वो भी हमने ले ली है, और घर का सामान लेना था वो भी ले लिया, खाने पीने का, और पानी भी लेके आना था, पानी भी मैं ले आया हूँ। बस ना ये आपकी की बस मैं वो लोग नहीं ना बना सका, बस मैंने कहा चलो बता देंगे। तो इसको हमने ऊपर लेके जाना है, तो दोनों मैंने पकड़ के लेके जाने, तो हाथ से वो लोग तो नहीं बन सकता, तो इनको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। हजूर की बारगाह के अंदर इश्क और मोहब्बत अदब और एहतराम के नाल गुंबद खजरा के सामने खड़े होके। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। तो मेरी ना व्लॉग बन नहीं सका कल, तो आज आपको 12 रबी अव्वल मुबारक हो, तो जुमा भी मुबारक हो, जुमा भी है आज, जुमा पढ़ लिया, तो घर को जा रहे हैं। तो जब 12 रबी अव्वल होती है ना, तो इधर क्या कहते हैं वो पहाड़ी वगैरह बच्चे से जाते हैं, तो अभी भी इस जा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, फिर रात को दिखाएँगे लाहौर में क्या वो नज़र आता है। अभी टाइम तकरीबन 2:30 बजे का हो गया, तो बच्चों ने पहले लगाना शुरू कर दिया है सारा। घर आ गए, रात को फिर निकलेंगे और महफिल में भी जाएंगे, महफिल का ही व्यू आपको दिखाएंगे, तो अभी घर चलते हैं। तो घर में आ गए मेहमान, तो उनके लिए बोतल वगैरह लेने आया हूँ, तो बस अभी तो यही चल रहा है हमारे साथ। तो रात हो चुकी है, तो चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पहाड़ियाँ वगैरह दिखाऊंगा, और साथ को मैं अहमद भी ले लेता हूँ साथ, तो अहमद भी देख लेगा, तो अहमद से पूछते हैं जाना है आपने। अहमद चले बाहर, चलो फिर चलते हैं, चलो। हाँ, तो अहमद कह रहा मैंने जूता नहीं पहन के जाना, मैंने सैंडल पहनने हैं, तो खुद ही सैंडल पहनने लग गया, तो इसको पहनाते हैं, फिर इसको नीचे लेके जाते हैं। तो मैं बोलूँगा नहीं, तो मैं सिर्फ आपको क्लिप ही दिखाऊँगा पहाड़ियों के, और साथ मेरे अहमद जा रहे हैं। चलें अहमद, चलो फिर। और हाँ, रात का टाइम हो चुका है, तो ना भाई ने कहा था गाड़ी पंचर हुई है, इसका टायर बदलना है, तो मैं कहता हूँ अहमद को दिखा लूँ, वो देखो भागे जा रहा है अहमद को। अहमद इधर आओ, तो इसको फिर पहाड़ियों वगैरह आपको भी दिखा दूँ। और मैं आया हूँ नई जगह पर, ठीक है। हम बेसिक रहने वाले हैं गाजी रोड के, बेसिक हम रहने वाले हैं गाजी रोड के, तो ना इधर का हमें पता नहीं है किधर किधर पहाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो गाजी रोड तो सजाते हैं फुल, इधर तो बस घर वगैरह सजाए हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं मैं उस पर, ठीक है। तो अहमद को भी दिखाती हूँ। तो भाई अहमद थक गया, अहमद कह रहा मुझे गोद में उठा के दिखा के लाओ, तो हम तो गोद में उठा के दिखाते ले जाते हैं। एक ये लगी हुई है, डरे नबी पर बड़ा रहे। तो भैया आगे देखने के लिए मैं जा रहा था, तो आगे ना मुझे कहीं नज़र नहीं आई, तो पहाड़ियों वगैरह बच्चों लगाई हुई थी ये जो मैंने आपको दिखा दी है, तो बाकी मैं घर को आ गई। अहमद भी कह रहा था मैं थक गया। अच्छा, मैंने कहा था कि बाहर अहमद को फिर आके ना
तो गाड़ी का टायर चेंज करना है तो वो करते हैं, चाबी ले लेता हूँ मैं। तो ये चाबी पड़ी है और निकलते हैं नीचे को, निकालते हैं टायर। ये पड़ा हुआ टायर, बिस्मिल्लाह। और इसको अभी के लिए तो बंद कर देते हैं। अंदर से ना क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं जैक वगैरह नहीं काम नहीं लगे। अरे फंस गया हूँ मैं यार। अच्छा ये निकालना और ये दरवाजा खोलते हैं। जैक इस शेड के नीचे पड़ा हुआ है। ये जैक पड़ा हुआ है, जैक निकालते हैं। जैक भी हमारा बाहर आ गया है। चीज़ मैं कब से ढूंढ रहा था और अचानक मैंने ना सीट पीछे की है तो सीट के पीछे पड़ा हुआ था। इसी तो टायर खोलना है, तो टायर खोलते हैं। और ये मैंने जैक वगैरह निकाल कर रख लिया है, इसको पहले लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं किधर रखना है। इसके नीचे हमने रखना है इसको, तो इसको एडजस्ट कर। अच्छा ये जगह पर मैंने लगा दी है, तो इसको गाड़ी को ऊपर करते हैं और कार टायर निकालते हैं। तो भाई और जगह पे सही से लग नहीं रहा था तो मैंने फिर वही जगह पे लगाया है, बस अल्लाह खैर करे। तो उसको मैंने पहले ऊपर कर दिया, नट बोल्ट मैंने लूज़ नहीं किए, तो अब मैंने ऐसे ही करना है लूज़। खोला दूसरा पॉइंट को मैंने लूज़ कर लिया, इनको खोल लें। अभी थोड़े से लूज होने वाले हैं, इनको मैं कर लेता हूँ पाना के साथ, तो इनको खोलता हूँ मैं। बस मुश्किल से निकाल ही लिया, ये निकाला है मैंने पंचर टायर, और ये वाला टायर लगाना है। अब बस लगा के आपको दिखाऊंगा। बहुत थक गया हूँ यार, परसीना। ये टायर मैंने चेंज किया, ये उतारा है और ये लगाया, और इनका बाकी सामान जिधर जिधर पड़ा तो उनकी जगह पे रखता हूँ। तो पहले तो टायर रखते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो भाई बाकी चीज़ें हम रख के ऊपर ही चलते हैं, बस बंद करके। तो गाड़ी का सारा सामान उनकी अपनी अपनी जगह पे रख दिया और घर चलते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं। हालत चेक करने, वो जाम ही बहुत हुआ था मिट्टी की वजह से, धोने वाली नहीं है ना। सुबह हफ्ता या सुबह घुमाएंगे या इतवार को घुमाएंगे। तो गाड़ी वगैरह का टायर चेंज करके ऊपर आया तो मुझे ना भूख लगना शुरू हो गई थी। तो रोटी है और जो सालन है, सालन में बना हुआ है बड़ा गोश्त, आलू और बड़ा गोश्त छोरे के साथ, तो इसको खाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अच्छा बना हुआ। घर का खाना हो तो अच्छा ना हो, ये तो फिर नहीं ना। तो मैं खाता हूँ, घर वालों का प्रोग्राम बन रहा है। बेसिक हम गाजी रोड के रहने वाले हैं, काना वाली साइड पे आए हुए हैं, तो ना पहाड़ियाँ वगैरह उधर अच्छी लगती हैं गाजी रोड। तो वो कह रहे वो देखने जाना है, तो फिर उधर चलते हैं। अच्छा पहली बात तो ये है कि ना गाजी रोड जाना था, तो इनका प्रोग्राम बन गया इधर ही देखने का, पहाड़ियाँ काना में। तो अभी इधर ही जा रहे हैं देखने के लिए, रश तो बहुत है, वहाँ बहुत ज़्यादा ही। हलवा पूड़ी, ये देखे कितना रश लगा हुआ है खाने के लिए सिर्फ। अच्छा तो अभी आए हैं एक पहाड़ी देखने के लिए, तो बहुत जबरदस्त लगी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह। दरे नबी पर बड़ा रम मैं गली के एंट्रेंस दिखाता हूँ, बड़ी जबरदस्त बनाई हुई है, गली दिखाता हूँ आपको। दरे नबी पर बड़ा रम गया, बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत
भूलेगी मेरी। लाहौर में ना ऐसे क्या कहते हैं गलियां सजाई जाती हैं, तो अभी ना जिस जगह पे हम आए हुए ना इस जगह पे कम नहीं आई है, गली सजी हुई थी बहुत प्यारी। मैंने कहा चलो दिखा दिया आप सबको। अच्छा वो कोलू का आपको थोड़ा सीन दिखा देता हूँ कैसे चलता है। ये इन्होंने दान डाला और ये चलने लगे माशाल्लाह। ये सरसों का तेल निकालेगा, सरसों के बीज पड़े हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं ना ये चीज़, ये सरसों के बीज हैं, इनका तेल निकाल रहे हैं कोल्लू है। दर नबी पर बड़ा रम बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत भूलेगी मेरी, कभी तो मेरा। तो मैं जो आपको ऊँट वगैरह दिखा रहा था ना, तो वो समझ लें कोल्लू है, यानी कि कोई बादाम वगैरह या किसी भी दाल वगैरह तेल वगैरह निकालना होगा उसके लिए है। इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वो मेरे भाई के चैनल पे अपलोड होगी, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हमारा व्लॉग इख्तिताम पर पहुंचता है, अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कोई मिस्टेक हुई तो उसे क्या कहते हैं इग्नोर करिएगा, और इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।